नमस्कार, मैं हूं धोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग की जमकर पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित बुजुर्ग का नाम अब्दुल समद है। आरोपियों ने बुजुर्ग की न केवल जमकर पिटाई की बल्कि उनकी दाढ़ी भी काट ली। इस दौरान बुजुर्ग उन सभी से हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हैं, लेकिन आरोपी उन्हें पीटते रहे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने ही इस घटना का वीडियो बनाकर और उसे वायरल भी कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीड़ित बुजुर्ग एक खाट पर बैठे हैं और उन्हें दो लोगों ने घेर रखा है। एक युवक के हाथ में कैंची है। इसी बीच दूसरा युवक बारी बारी से उन्हें थप्पड़ मारता है, जबकि पहला उनकी दाढ़ी काट लेता है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगवाए और कहा तुम पाकिस्तान के जासूस हो। अब्दुल के मुताबिक आरोपी उसे यह कहकर धमका रहे थे कि वो इससे पहले भी कई मुसलमानों को मार चुका है। वीडियो वायरल होने पर लोनी पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 5 जून की है, जब बुलंदशहर के रहने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद लोनी आए थे और एक मस्जिद में जाने के लिए ऑटो में बैठे। आरोप है कि ऑटो में बैठे कुछ लोग जबरन जंगल में बने एक कमरे में ले गए, जहां पहले पिटाई की, फिर कैंची से दाढ़ी काट दी। लोनी के CEO अतुल कुमार सोनकर ने कहा कि बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है।